गणेश चतुर्थी के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने रायपुर निवास में पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की। मुख्यमंत्री ने परिजनों के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान वन और जलवायु मंत्री केदार कश्यप, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद सहित निवास कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी इस अवसर पर मौजूद रहे। और देखिए, छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव को कुछ ही वक्त बाकी है, ऐसे में अब पार्टी स्तर पर इसकी तैयारियां हो रही है और वहीं सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और नगरीय शासन प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है, साथ ही प्रणाली को लेकर नगरीय निकाय पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर समिति का गठन किया गया है। शीघ्र ही समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार इस पर विचार करके निर्णय करेगी। और देखिए, छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधा। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट दिलाने के नाम पर हुए लाखों रुपए के लेन देन में खुलासे को लेकर कांग्रेस के लोकतंत्र को कलंकित करने वाला राजनीतिक चरित्र बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान के ढोल तो खूब पीटती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वह हर स्तर पर सौदेबाजी करने के मौके पर तलाश रही है। पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। जब सरकार में थी तब उन्होंने पूरे प्रदेश में भू माफिया, शराब माफिया, जंगल माफिया, कोयला माफिया, और अब जब चुनाव हो चुका है तो टिकट माफिया के नाम से जग जाहिर हो चुका है। इनके वास्तविक चेहरे अब सामने आ रहे हैं। मैं भूपेश बघेल से और दीपक भाई से पूछना चाहता हूँ कि हमारे ST/SC वर्ग के जो खल्लारी और राजनांदगांव के महिला नेत्रियों को आपने पैसा लेकर के टिकट देने की बात कही और लाखों रुपए का जिस तरीके से हेरा फेरी की, शर्माती है आपकी राय। देखिए, रायपुर उत्तर विधानसभा से विधायक परुंदर मिश्रा ने विभिन्न समस्याओं को लेकर सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने अपराधों को रोकने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में CCTV लगाने की मांग की है। विधायक परुंदर मिश्रा ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में घना एरिया, जिसके चलते आपराधिक घटनाएं होने की संभावना रहती है, जिन्हें रोकने के लिए CCTV कैमरे लगाने की जरूरत है। दीपक भाई जी पूर्व सांसद हैं, प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, अभी भी उनमें परिपक्वता नहीं है। मैं अभी भी आपको बोला था कि जो अपराध इन्होंने 5 साल में बढ़ाया है उसको रोकने में हमको 8 महीने लग गया, धीरे धीरे सब ठीक होगा। ये पार्टीगत भाई, वो उनके पास मुद्दा नहीं है यार, मुद्दा कहाँ है? कभी इस्तीफे की बात करेंगे गृह मंत्री, कभी इस्तीफे की बात मुख्यमंत्री से करेंगे, काम तो कुछ किए नहीं 5 साल। मैं बोलता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे उत्तर विधानसभा में भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन करने वाला कोई ऐसा इमारत बता दें तो मैं उनके यहाँ काम करने चल दूंगा नौकरी। कांग्रेस को असली में अपने आंख से देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उनको CCTV भी चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल प्रदेश में बढ़ते स्वाइन फ्लू के मामले को लेकर गंभीर है। इस दौरान मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू को देखते हुए प्रदेश में जांच का दायरा बढ़ाया गया है। आगे कहा कि लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त दवाई और आइसोलेशन वार्ड है। स्वाइन फ्लू के जो केस दिख रहे हैं, अभी तक पिछली सरकारों में ये जाँच ही नहीं करते थे और रिपोर्ट नहीं आता था। इनके जांच और हमारे जांच का हम तुलना करेंगे तो इनसे कई गुना ज़्यादा हम जांच कर रहे हैं, और जब जांच करेंगे तभी पता चलता है कि कौन सी बीमारी है, क्या है। वैसे स्वाइन फ्लू का कोई विशेष लक्षण अलग से होता नहीं है, जो बुखार है, सर्दी है, दर्द है, इसी सब में उसके लक्षण छुपे होते हैं। इसलिए हमने आम जनता से बार बार आप लोगों के माध्यम से भी और हमारे जो मितानिन से लेकर हेल्थ टीम के माध्यम से लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी ब्लड की टेस्ट कराएं। जरा सा भी कोई बुखार का, दर्द का, सर्दी जुकाम के लक्षण आते हैं तो उस पर जांच।